बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे साइन 15, कॉस 15, टेन 15 डिग्री के मान कैसे निकाले जा सकते हैं। यह एक बहुत ही आसान टॉपिक है। इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो साइन 18, कॉस 18, टेन 18, साइन 22.5, कॉस 22.5, टेन 22.5 के मान कैसे निकाल सकते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं साइन 15, कॉस 15 और बाकी सबके मान कैसे निकाले जा सकते हैं। अगर इनके मान निकालने हैं ना बेटा, तो आपको ये तीन सूत्र आने चाहिए, साइन ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का। आई होप आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो देख लीजिए। जैसे ही आपको सूत्र ये आ गए तो ये तीनों मान आपके कैलकुलेट हो गए। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान से देखिएगा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये तीनों फॉर्मूले आते हैं तो आपको सब कुछ आता है। अगर इसी में माइनस लग जाए बेटा, अगर आपसे कोई पूछ ले साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ प्लस था तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कॉस ए माइनस बी का सूत्र कोई पूछ ले, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। टेन ए माइनस बी का पूछ ले, माइनस के लिए यहाँ प्लस, प्लस था तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया। तो आपने छह फॉर्मूले लिख लिए, साइन ए प्लस बी का भी, साइन ए माइनस बी भी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। आइए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं साइन 15, कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ साइन 15। बेटा क्या साइन 15 का फॉर्मूला कोई बता सकता है? बता सकता है तो कमेंट में दीजिएगा। 15 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 की जगह मैं क्या ये लिख सकता हूँ 60 माइनस 45। 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। हमने इसको इस रूप में इसलिए कन्वर्ट किया कि मुझे साइन 60 की वैल्यू भी पता है, कॉस 60 की वैल्यू भी पता, 45 की भी पता। हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इन सब के मान पता होते हैं। इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? साइन ए माइनस बी। बेटा ये आपका ए है, ये आपका बी है, साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है साइन ए, ए की जगह 60 लिख देंगे, कॉस बी, बी की जगह 45 लिख देंगे, माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस, कॉस ए, ए की जगह 60 लिख देंगे, कॉस बी, ओ सॉरी कॉस ए साइन बी, बी की जगह 45, साइन ए माइनस बी। अब बेटा हर कोई जानता है जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी अंडर रूट 3/2, कॉस 40 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 2√2, इनका एलसीएम आ जाएगा 2√2। और जैसे ही आप इसको हल करोगे, √3 × 1 √3, 1 × 1 1, 2√2, 2√2, तो अपॉन में 2√2, ये है आपकी साइन 15 की वैल्यू। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो रोक कर जरूर ट्राई करिए, फिर मिला लीजिए कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया है। मैं साइड में लिख देता हूँ, बेटा साइन 15 कितना आ गया? साइन 15 की वैल्यू आ गई √3 − 1/√2। इसी प्रकार अब निकालते हैं कॉस 15 की वैल्यू। अगर कॉस 15 की वैल्यू निकालनी है तो बेटा क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम कॉस 15 की जगह 60 − 45, 60 में से 45 घटाएंगे 15 आ जाएगा। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी का शुरू में लिखा था, एक बार वीडियो बैक करके देख लीजिएगा कि सर फॉर्मूला क्या होता है। कॉस ए कॉस बी, ये ए है ये बी है, माइनस है तो फॉर्मूले में होता है प्लस, साइन ए
साइन बी। कॉस 60 की वैल्यू आपकी होती है 1/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 2√2 2√2, तो एलसीएम भी 2√2, 1 × 1 1, √3 × 1 क्या आ गया √3। ये आपकी आ गई कॉस 15 की वैल्यू। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस 15 की वैल्यू आपकी आ गई 1 √3/√2। अब यहीं से टेन 15 की वैल्यू निकालते हैं। टेन 15, साइन 15 आ गया, कॉस 15 आ गया, टेन 15 भी आ ही गया। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 60 − 45, और फॉर्मूला कौन सा लगा दें, tan A − B, tan A − B का फॉर्मूला लगाइएगा, हल करिएगा, बताइएगा आंसर क्या आता है। क्या इसके अलावा भी किसी तरीके से किया जा सकता है? मैंने कहा मुझे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, मैं नाराज़ हूँ, मैं इस फॉर्मूले से रूठ गया हूँ। ऐसा नहीं होता कि आप घर वालों से रूठ जाते हो, खाना नहीं खाते हो, पापा जब तक मोबाइल नहीं लाओगे तब तक मैं ये नहीं करूँगा। मेरा बच्चा भी बहुत रूठता है, बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खाता। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ भी हो जाए इस मोबाइल से दूर रहिए। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ऑनलाइन पढ़ाई नहीं है। आप यूट्यूब पर ज़रूर वीडियो देख रहे हैं, अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो मेरी बातें सुन पा रहे होंगे। अरे यार, एक अच्छे महापुरुष ने कहा है, एक मतलब उन्होंने कहा है कि मैं 2 मिनट से बड़ी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि लोगों के अंदर धैर्य नहीं है। मोबाइल जब आप उठाते हो तो कुछ और देखने लग जाते हो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका तो नहीं है। सबसे पहली चीज़, मोबाइल से दूर रहिए। पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं अच्छे बच्चे ही यहाँ तक देख रहे होंगे आई थिंक, तो आगे स्टार्ट करें। देखिए एक तरीका क्या है, इसको लिख सकते हैं 60 − 45, उससे हल कर लेंगे। क्या इसकी जगह ये नहीं लिखा जा सकता, टेन 15 का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस, साइन 15 अपॉन कॉस 15, ये भी तो लिखा जा सकता है। और अभी अभी आपने साइन 15 की वैल्यू क्या निकाली है, √3, कॉस 15 की क्या निकाली है, इससे ये कैंसिल नहीं हो जाएगा और सीधा सीधा आ गया √3 − 1/√3+1। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, टेन 15 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। टेन 15 की आपकी वैल्यू आ गई, अरे चाहे 1 + √3 लिखो, चाहे √3+1 लिखो, ये है आपकी साइन 15, ये है आपकी कॉस 15, ये है आपकी टेन 15, तीनों वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। अब बची साइन 75, कॉस 75, टेन 75, इनके मान कैसे निकालेंगे, तो फिर दो मेथड देखते हैं जल्दी से, क्विक, रोक कर आप खुद से सोचिए क्या आएगा, नहीं तो फिर वीडियो को चलने दीजिए और देखते हैं आगे क्या आता है। बेटा साइन 75 की कैसे निकाल सकते हैं, अच्छा इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, 60 + 45, सॉरी 75 को क्या लिख सकते हैं, 30 + 45, 30 में 45 जोड़ूंगा तो 75 आ जाएगा। फिर कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, sin A + B का सूत्र लगा लेंगे, हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जब आप हल करोगे बेटा तो आंसर आ जाएगा √3+1/√2। जब आप इसका मान रखोगे साइन ए का, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सब की वैल्यू रखोगे तो इतना आ जाएगा। ये आप ट्राई करिएगा, मैं दूसरे मेथड से है बता रहा हूँ, इससे आप करेंगे आंसर आ जाएगा। बेटा एक चीज़ और लिख सकते हैं, 75 की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 − 15। अरे 75 की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 − 15, और ये क्या हो जाएगा, कॉस 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बेटा जब आप रखोगे, हल करोगे, साइन 90 − थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, हर बच्चे ने क्लास 10th में पढ़ा है। 11th के बच्चे देख रहे हैं तो उन्होंने तो 2-3 बार कई बार पढ़ा, 12th वाले देख रहे हैं तो उनके लिए रटी हुई चीज़ होगी, 10th जिन्होंने पढ़ चुके हैं उनको भी आता होगा, जिन्होंने 10th पढ़ना स्टार्ट किया है वो भी ध्यान से देखें कि ये इसके बराबर होता है।
थीटा की जगह 15, यहाँ 15, और कॉस 15 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1+√3/2√। ये आपकी आ गई साइंस 75। अच्छा, यहीं पर कॉस 75 की बताइएगा कितनी आएगी, तुरंत सोचिए, बोलिए कॉस 75 की वैल्यू कितनी आएगी, तुरंत बताइए बेटा। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90-50, 90 में से 15 घटाऊंगा तो फिर 75 आ जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा जानते हो क्या होता है, साइन 15, और साइन 15 की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है √3-1/2√2। ये आपकी कॉस 75 की आ गई। अब बची टेन 75 की। बेटा टेन 75 की कैसे निकाल सकते हैं, जल्दी से बताइए क्विकली। वीडियो यहीं पर रोक दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे अंत में दे दीजिएगा, मैं बस हिंट दे रहा हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं, 90-15 किसके इक्वल हो जाएगा, 10 90-थीटा कॉट थीटा। क्या कॉट 15 की वैल्यू पता है, नहीं पता है तो ये वाली चीज़ तो फेल हो गई। अगर ये फेल हो गया तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 75 की जगह क्या लिख सकते हैं, 30+45, 30 में 45 जोड़ूंगा तो 75 आ जाएगा, और सूत्र कौन सा लगेगा, tan A+tan B/1-tan A(tan B)। इसका मान रखिए, हल करिए, लासापा लीजिए, और आपका आंसर है ये। इन सभी क्वेश्चंस को हो जाने के बाद एक बार फिर से आप खुद से ट्राई करिएगा, लॉकडाउन का टाइम है तो खाली मत बैठिएगा, ज़रूर पढ़ते रहिए, और इस पूरे लॉकडाउन में लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े